Hey everyone, a very good morning to all of you. My name is Harsh and as you all know, मैं आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आता हूँ, एविएशन इंडस्ट्री की न्यू जॉब वैकेंसीज की वीडियोस लेकर आता हूँ. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड आप लोग भी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी न्यू जॉब वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट. एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर इंडिया सैट्स की कुछ ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के बारे में. एयर इंडिया सैट्स जो है वो एक थर्ड पार्टी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया में ग्राउंड स्टाफ हायर करता है एंड देन वो अलग अलग एयरलाइंस की, जिसका भी एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ इंडिया के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एयरवेज या एतिहाद एयरवेज जब इंडिया में आता है तो उसका खुद का कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं होता है. सो थर्ड पार्टी एजेंसीज के जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो उस पर्टिकुलर एयरलाइन के ग्राउंड में जो पैसेंजर्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनको हैंडल करते हैं. सो इसे ही थर्ड पार्टी एजेंसी जो है ग्राउंड हैंडलिंग के अंदर बोला जाता है. एंड अभी एयर इंडिया सैट्स जो है वो ग्राउंड स्टाफ हायर कर रहा है फॉर दी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं. एंड ये जो वैकेंसी है वो त्रिवेंद्रम के अंदर है एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 31 अक्टूबर 2021. सो आपको 31 अक्टूबर 2021 से पहले पहले जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है. एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड जॉब का पर्पस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजीशन. सबसे पहले अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे गिवन है कि बैचलर इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पे ग्रेजुएशन को जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया है. लेकिन एयर इंडिया सेट्स के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसके अंदर 12th पास वालों ने भी अप्लाई किया था एंड उनका सिलेक्शन हुआ. मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 12th पास आउट थे एंड जिन्होंने एयर इंडिया सेट्स के अंदर अप्लाई किया एंड उनका सिलेक्शन भी हो गया. सो अगर आप जस्ट 12th पास आउट हैं सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजिशन. आप अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपके पास में पहले कोई भी ग्राउंड हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है या ग्राउंड स्टाफ का आपके पास में एक्सपीरियंस है या पहले आप एयर इंडिया सेट्स में काम करते थे, किसी रीज़न से आपने छोड़ दिया एंड यू वांट टू ज्वाइन अगेन, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करके कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये भी गिवन है कि एनी एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री वुड बी एन एडवांटेज. तो अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो ये एक जो है एडवांटेज रहेगा. इसके साथ में ही एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका जो है कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना चाहिए बिकॉज यू विल बी हैंडलिंग पैसेंजर. जो भी ग्राउंड में पैसेंजर होंगे आप उनको हैंडल करते हैं, सो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी गुड. एंड लास्ट डेट मैंने आपको बताया 31 जो है अक्टूबर है, उससे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. अभी हम जॉब पर्पस के बारे में बात करें तो ये है एक ओवरऑल ग्राउंड स्टाफ जो काम करता है, चाहे हम बात करें अराइवल की, चाहे हम बात करें डिपार्चर की, या हम बात करें फ्लोर वॉकिंग, डॉक्यूमेंट्स चेक करना एंड इसके साथ में पैसेंजर मीट एंड असिस्ट, प्री फ्लाइट चेक, पोस्ट फ्लाइट चेक एंड कार्गो का जो काम होता है, हैंडलिंग स्पेशल पैसेंजर जो कि स्पेशल कुछ पैसेंजर होते हैं जिनको नीड होती है उनको असिस्ट करना, बैगेज का टैग करना, इसके साथ में ही बोर्डिंग पास इशू करना. तो ओवरऑल जितने भी अराइवल डिपार्चर से जो काम होते हैं रिलेटेड ग्राउंड स्टाफ के वो यहाँ पर आपको करने होंगे अगर आप इसके अंदर सिलेक्ट होते हैं. और इसके साथ में ही अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब पोजीशन. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक गिवन है जहाँ पर दो लिंक हैं और उसके अंदर एक के अंदर इसका पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन बताया है एंड क्वालिफिकेशन बताई है वहाँ पर जाकर के आप उसे रीड कर सकते हैं. एंड सेकंड के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, अपना लेटेस्ट CV अपलोड करना है एंड आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको वहाँ पर अपलोड करके सबमिट करनी है. इसके साथ में ही आपको अपना जो CV है वो इस मेल ID जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा वहाँ पर अपना लेटेस्ट CV एंड आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है इस जो मेल ID है उस पर अपलोड करना है. मेल ID है info@airindiasats.in, मतलब airindiasats.in, info@airindiasats.in. तो इस मेल ID पे आपको जो है अपना CV जो है अपलोड करना है विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हैं.
ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करिए, इसके साथ में ही अपना ईमेल आईडी पे जाकर के भी इसे आप अपलोड कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो त्रिवेंद्रम के अंदर है। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो एयर इंडिया सेट्स की पोजीशन के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ में अपडेट रह सकें। एंड अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री या इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, वहाँ पर जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी मैं हर्ष वर्मा लेता हूँ विदा। आई विल टॉक टू यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।